आपको यकीन ही नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप एक रोटी को उबलते हुए पानी में डालो तो आप क्या बना सकते हो। एक ऐसी चीज जो हर किसी को बहुत पसंद होती है, और आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि गेहूं के आटे से, वही आटा जिससे आप रोटी खाते हो, उससे भी ये बन सकता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने वो नॉर्मल रोटी का आटा लिया है। आप खुद ही देखो, इसमें काफी अच्छी लचक है और ये काफी रेस्टेड आटा है। मतलब मैंने सुबह गूंदा था और अभी 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है जब मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये रेसिपी बनाने के लिए आपको आटा थोड़ा सख्त चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसे पूड़ी का होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डो में थोड़ा सा आटा मिलाया है और उसको धीरे धीरे करके मिला लिया है ताकि मेरा आटा सख्त बन जाए। आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रेश आटा भी लगा सकते हो। अगर आप पूड़ी का आटा जैसे इसको बना रहे हो तो पहले तो आप सूखा आटा अच्छे से मिला देना, लेकिन जब आटा पूरा जुड़ जाए तो इसमें एंड में थोड़ा सा तेल जरूर लगाना, नहीं तो पड़े पड़े आटा सूख भी सकता है दोस्तों। और मैं इसको हमेशा एक गीले कपड़े से कवर करके जरूर रखता हूँ। 10 मिनट काफी होंगे, 10 मिनट में आटा थोड़ा ढल जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या आपको ये बात पता है दोस्तों कि अगर 100 ग्राम आटे में 30 ग्राम पानी हो तो वो समोसे का आटा बन जाता है, वही अगर 100 ग्राम आटे में 50 ग्राम पानी हो तो वो पूड़ी का आटा बन जाता है, और अगर 100 ग्राम आटे में 60 से 70 ग्राम पानी हो तो वो रोटी का आटा बनता है, यानी कि आपके फुलके का, और आखिरी में 100 ग्राम आटे में 100 ग्राम पानी हो तो वो बैटर बन जाता है दोस्तों। तो अगर आप फ्रेश आटा लगा रहे हो तो आप एक कप आटे में आधा कप पानी डालना और इसका एक सख्त आटा लगा देना जैसे पूड़ी का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूड़ी के आटे में लचक भी होती है और वो टूटता भी नहीं है जल्दी से। अगर रोटी का होगा तो उबलते हुए पानी में ये बहने लग जाएगा और इसका स्टार्च पूरा फैल जाएगा। अगर समोसे का होगा तो ये टूट जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। इस वाले आटे में भी दोस्तों एंड में रेस्ट करने से पहले थोड़ा तेल जरूर लगाना, क्योंकि आटे में अगर हल्की सी भी स्किन बन गई या वो सूखने लग गया तो वो आटा यूजेबल नहीं रहता। मैंने आटे को सिर्फ 10 मिनट रेस्ट किया है दोनों आटों को, और उतने में मैंने अपनी एक कढ़ाई में 1 लीटर तक पानी गर्म किया और उसमें 1 टेबलस्पून तक नमक के साथ साथ थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो 10 मिनट रेस्ट करने के बाद ही अगर मैं आपको आटा दिखाऊं, दोनों आटे में ही हल्की सी लचक आ जाएगी, बिल्कुल आटा ऐसा होगा कि जुड़ जाएगा। आप एक छोटा सा पेड़ा लेना और उसकी एक पूड़ी बेल लेना। ध्यान रहे, बड़ी रोटी मत बेलना या फुलके की तरह बड़ा मत बनाना, एक पूड़ी ही बेलना। और मैंने इसको कोई बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा, ठीक ठीक रखा है बिल्कुल। अगर बहुत पतला रख देंगे तो पानी से निकालते वक्त ये टूट सकते हैं। आप ये देखो कि मेरे आटे ने पानी अच्छे से एब्जॉर्ब किया है, तो उसकी एजेस में कोई क्रैक नहीं है, एकदम इवन है, और बिल्कुल ऐसे ही आपको चाहिए। जितनी देर में आप अपनी रोटियां बेलोगे उतनी देर में आपका पानी भी उबलने लग जाएगा, और आप देख सकते हो कि मैंने बहुत बड़ी रोटियां बिल्कुल नहीं बेली है, पूरी का साइज ही रखा है और सारी एकदम इवन रखी है। इसका भी एडवांटेज होगा दोस्तों, अभी आप आगे देखना। सीधा ही उबलते हुए पानी में आप ये एक एक करके रोटियां डाल देना, 4 के आसपास ही रखना, बहुत ज्यादा इसको मत भरना, नहीं तो सही से पक नहीं पाती। इस बात का ध्यान जरूर देना कि पकाते वक्त गैस को मीडियम फ्लेम कर देना, क्योंकि क्या होगा अगर हाई फ्लेम पे आप करोगे तो ये साइड में बबल्स बहुत आएंगे, जिससे कि आपका जो ये रोटी है वो फट सकती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 4 से 5 मिनट पकाया है, बहुत ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पकाया दोस्तों, और फटाफट से इसको एक करछी से निकाल कर एक जाली के ऊपर रख दिया है। घबराना मत, आराम से निकल जाएगा अगर आपने छोटी बेली होंगी। अगर बड़ी बेली होंगी तो इस पे प्रेशर आएगा और साइड्स टूट सकती हैं। और अब इसी पानी में ही आप बाकी फुलकों को भी ऐसे ही उबाल लेना। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर देना है कि ये जो रोटियां हैं इनको उबालने के बाद इनको फटाफट से पानी से धोना जरूर है, ताकि इनका एक्सेस स्टार्च भी निकल जाए और इनकी कुकिंग एकदम स्टॉप हो जाए। और अब खुद देखो, आपको एक ऐसी सी रोटी मिल जाएगी। देखो, अभी इससे ज्यादा पंगे मत लेना, अभी इसको बस आपको सूखने के लिए रखना है। आप इसको 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ोगे ये सूखने लग जाएगी, और तभी आप इसको यूज करना। जितनी देर में आप इसको रेस्ट कर रहे हो तब तक हम यहाँ पर सारी सब्जियां काट देते हैं, क्योंकि ये नाश्ता मैं अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ, तो मेरे बच्चों को मैं भर भर के सब्जियां ऐसे ही खिलाता हूँ दोस्तों, उनकी दोस्ती ही ऐसे होती है। तो मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को ऐसे लंबा लंबा काट दिया है। ध्यान रहे, प्याज को थोड़ा मोटा ही रखना, एकदम फाइनली स्लाइसेस मत करना, यानी कि एकदम पतले मत रखना स्टिक्स। मैं तो शिमला मिर्च का यूज भी करता हूँ, और शिमला मिर्च को भी जितना स्टिक्स के फॉर्म में आप कर सको या जूलियन कर सको बिल्कुल वैसे ही करना, थोड़ा सा लेकिन मोटा ही रखना। देखो, सब्जियां तो आपकी पसंद की काफी सारी हो सकती है, जुकीनी भी डाल सकते हो या पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर गाजर का यूज किया है और उनको भी स्टिक्स शेप में काटा है।
और हरा प्याज भी यहाँ पर लिया है, जिसमें कि ग्रीन पार्ट को अलग किया और वाइट पार्ट को अलग किया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बनाने क्या वाला हूँ। मैं यहाँ पर इससे इनकी नूडल्स बना दूंगा, है ना दोस्तों, एकदम अमेजिंग। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारी सब्जियों को सेट करके काट के पहले ही रख दिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ नूडल्स कितनी इजीली बन जाती है। आपने बस एक रोटी लेनी है, ध्यान रहे उसकी दोनों तरफ थोड़ा सा तेल लगा देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ताकि जब हम इनको काटे तो ये इजीली अलग हो जाए। अब आप इसको रोल करना और बस इनको पतली पतली लाइंस में काट देना। आप चाहो तो आप मोटी भी रख सकते हो अगर आपको मोटी नूडल्स पसंद है, मुझे पतली पसंद है तो मैंने पतला ही काटा है। और अगर आपने तेल सही से लगाया होगा तो ये बहुत इजीली अलग भी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही बाहर सूखने के लिए रख दिया था, तो रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आटे का स्टार्च एकदम सेट हो जाता है और जेल में बदल जाता है, जिससे कि एकदम परफेक्ट नूडल्स बन जाती है। बढ़िया लग रही है ना एकदम। आप बस फटाफट सारी तैयारियां करके रखना, नूडल्स भी रेडी है, सब्जियां भी रेडी है, मैंने नमक, काली मिर्च, सॉसेस सब निकाल के रखा हुआ है, और फटाफट से मैं आपको चाउमीन बना के दिखाता हूँ। एक बात आपको चाउमीन के बारे में आज ऐसी बताऊंगा दोस्तों जो आपको 100% पता ही नहीं होगी। इनफैक्ट जब हम घर में नूडल्स बनाते हैं तो हम इसके बारे में कई बार तो सोचते ही नहीं है या हमें पता ही नहीं होता। तो मैं नूडल्स बनाते वक्त गरम गरम तेल में एकदम हाई फ्लेम पे पैन में पहले थोड़ी सी लहसुन डालता हूँ, और बच्चों की फेवरेट हरी मिर्च तो आप कैसे भूल सकते हो, प्याज के साथ साथ सारी सब्जियां इसी टाइम पे डालता हूँ। देखो सब्जियां मैंने थोड़ी सी मोटी काटी है तो ये इजीली ढलने नहीं वाली, और इनको ढलाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। तो हाई फ्लेम पे आप इनको टॉस करना लगभग 30 सेकेंड्स के लिए, फिर सोया सॉस और विनेगर डाल देना। सोया सॉस को पकाना बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूँ, एक बारी करके देखना, रिजल्ट यह लगा आएगा। सोया सॉस और विनेगर की वजह से हल्का सा पानी या लिक्विड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आपका तेल उछलेगा, और अगर आपके पास मेरी जैसी गैस है तो वो हल्की सी आग भी पकड़ सकती है। देखो घर में इम्प्रेस करने के लिए तो मैं ये सब हरकतें भी करता हूँ, लेकिन बैक टू नॉर्मल रेसिपी आते हैं। इसी टाइम पे आप काली मिर्च पीस के डाल देना, आपको मिलाने में आसानी होगी। और फिर अब आप यहाँ पर नूडल्स डाल देना, और नूडल्स के ऊपर आपने नमक डालना है, सब्जियों के ऊपर बिल्कुल मत डालना पहले, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नूडल्स के ऊपर नमक के साथ साथ चिली सॉस जो आप डालना चाहते हो वो डालना, और अब इन सारी चीजों को मिलाना। देखो नमक अगर आप पहले डालोगे तो आपकी सब्जियां ढल जाएंगी और उनमें कोई क्रंच नहीं रहेगा, एंड दैट इज द डिफरेंस दोस्तों जो आपकी नूडल्स में आएगा। आप दोस्तों इसको सच में एक बार बना कर देखना, मेरी गारंटी है। परिवार वाले क्या, किसी को भी खिलाओगे ना सब इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे कि इतना अमेजिंग। गेहूं के आटे की रोटी से आप ये भी बना सकते हो।